नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कला लेखन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अब्दुल रहीम अप्पा भाई अमलेकर के विषय में बात करेंगे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इन्हें बचपन से ही चित्रकला में विशेष रुचि थी, इसके लिए मुंबई के नूतन कला मंदिर से कला शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात विशेष शिक्षा के लिए यह जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई आए। यहीं से शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद को एक कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में स्थापित किया। इनकी आरंभिक शैली पर बिंद्रे और लैंगहेमर का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। अलमेलकर पर लोक कला, आदिवासी कला, परंपरागत भारतीय कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनके विषय आम आदमी की जीवन से संबंधित हुआ करते थे। यह विदर्भ के जंगलों में भी जाया करते थे, जहाँ पर आदिवासी जीवन रंगीन पेड़ पौधे से काफ़ी प्रभावित हुआ, जो इनके चित्रों में बार बार उभरते रहे। आदिवासियों को इन्होंने अपने चित्रों में प्रमुखता के साथ चित्रित किया है। एक इंटरव्यू में अलमेलकर ने कहा था, चित्रकला की शिक्षा अपनी माँ के गर्भ से ही प्राप्त हुई है। जिस प्रकार महाभारत में अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में धनुष बाण चलाने की शिक्षा ली थी, उसी प्रकार मैंने भी माँ के गर्भ में माँ के द्वारा कढ़ाई करते समय कला की शिक्षा प्राप्त की थी। चित्र और ये जब चित्र पूर्ण करते थे तो जल लोधी स्याही को लेकर अंतिम रेखांकन उसी से किया करते थे। अधिकांश इनका कार्य कार्डबोर्ड पर है। लगातार कार्य करते हुए इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी को हुई थी। अलमेलकर का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर था। इनके द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए गए वो इस प्रकार हैं, मुंबई आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार 1954 में इनको मिला था, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पुरस्कार 1955 में मिला था, ललित कला अकादमी का पुरस्कार 1956 और 60 में मिला था। इनके द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं, गेंडा, मेरा घर, प्रिपरेशन, जमालपुर, हनुमान, द्वारपाल, आउट फॉर बिग गेम, ये इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। इसके अलावा 1953 में इनके स्टेडियम में एक बार आग लग गई थी, जिससे ये काफ़ी दुखे हुए थे, लेकिन फिर भी इनके चित्रों में लगातार हमें भारतीयता दिखाई पड़ती रहती है। अब इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के विषय में हम जानेंगे। अलमेकर का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1920। कहाँ? गुजरात में। अलमेकर किस कलाकार ने कहा था कि उसने अपनी माँ के घर में ही, जब उसकी माँ कढ़ाई करती थी तभी से कला शिक्षा सीखनी प्रारंभ कर दी थी? तो अलमेकर ही सही होंगे। अगला, कार्डबोर्ड पे इनका अधिकांश काम है। स्याही इनका प्रिय माध्यम था और इनकी मृत्यु 1982 ईस्वी को हुई थी। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर है। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। मुंबई आर्ट सोसाइटी ने कब इन्हें पुरस्कृत किया? 1954 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इन्हें कब पुरस्कृत किया? 1955 में। ललित कला अकादमी का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1956-1960 में। और एक कुछ महत्वपूर्ण जो चित्र हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आउट फॉर बिग गेम और मेरा घर, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। ऐसा करते हैं, ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें लगातार इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।